नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। खासकर ट्रेन में सफर कर रहे लोगों को अक्सर सामान की देखभाल की सलाह दी जाती है, ताकि चोरों और बदमाशों का शिकार न बने। कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, मगर कुछ समझदार लोग हमेशा सतर्क रहते हैं और कभी कभी भोले भाले चोरों को सबक भी सिखा देते हैं। कुछ ऐसा ही एक बिहार की ट्रेन में देखने को मिला। हाल ही में बिहार के भागलपुर में हैरान कर देने वाला मामला हुआ, जहां एक ट्रेन में बैठे यात्री के सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश एक चोर को महंगी पड़ी ट्रेन में यात्री ने पकड़ लिया और भागने की कोशिश में चोर चलती ट्रेन के बाहर लटक गया। खबरों के मुताबिक एक बदमाश ने एक महिला यात्री से मोबाइल फोन छीन लिया और ट्रेन से भागने की कोशिश की, लेकिन चलती ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश करने पर अन्य यात्रियों ने उसे पकड़ लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला यात्री अपने फोन पर बात कर रही थी, तभी चोर अंदर आया, उसका फोन छीन लिया और ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश की। हालांकि अन्य यात्रियों ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह महिला का फोन लेकर भागने से बच गया। ट्रेन के यात्रियों ने चोर को पकड़ लिया और मजबूत पकड़ रखी, वो चाहे जितना जोर लगा ले पर छूट नहीं पाया। चलती ट्रेन से लटकता चोर वीडियो में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बाद में उसे कुछ लोगों ने ट्रैक पर आकर उसे किसी तरह बचा लिया। हालांकि जब वह ट्रेन से लटका हुआ था तो वह चिल्ला रहा था, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा हाथ टूट जाएगा, भाई चोर को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। वह कुछ युवकों को बचाने से पहले चलती ट्रेन से लटक होता है, जबकि यात्री चिल्लाते हैं कि वे लोग भी चोर गिरोह हो सकते हैं। यह घटना कथित तौर पर मंगलवार 16 जनवरी को बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चोर 1 किलोमीटर से अधिक समय तक चलती ट्रेन पर लटका रहा, उसके कथित साथियों ने उसे बचा लिया। और तो गिर जाएंगे ना वो। बंद करो भाई। हे 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 हे।